हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग फाइन टुडे। दिस इज़ कमल रामवानी। देखिए, ऑटोकैड के इससे पहले हमारे फोर पार्ट्स हो चुके हैं। दिस इज़ आवर फिफ्थ पार्ट। तो उन फोर पार्ट्स में हमने क्या किया है, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, जिसने नहीं देखा है या फिर जिन्होंने देख भी लिया है उनके लिए भी। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था हमारा थियोरेटिकल पार्ट कि ऑटोकैड किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था, क्या उसकी पेरेंट कंपनी थी। ये सारा हमने फर्स्ट पार्ट में जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन है कंप्यूटर से भी रिलेटेड बेसिक्स वो देख लिया था, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट थ्री पार्ट्स में हमने क्या देखा था कि जो भी कमांड्स हैं, कमांड्स कैसे काम करती हैं, उनका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ग्रिप क्या होती है, ये सारा हमने, लेयर्स क्या होती हैं, ट्रिम, मेजर, डिवाइड, सारा हमने उन थ्री पार्ट्स में कवर कर लिया था। तो देखिए, मैक्सिमम ऑफ द पार्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ठीक है। तो पीपल हैव बीन कमेंटेड कि क्या है कि और कितने पार्ट्स आएंगे, क्या होगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बहुत सारा पोर्शन हमारा हो चुका है, मेजर ऑफ द पार्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसमें से कवर हो जाना है बहुत सारा, ठीक है। बाकी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम क्या करने वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पोर्शन है कि प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मैकेनिकल के पार्ट में हम नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, सिविल से रिलेटेड क्या है, ड्राइंग शीट्स जो हम बनाते थे, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पार्ट है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही हैं वो सारी हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग शीट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास शीट नंबर, स्केल, मैथड ऑफ प्रोजेक्शन, साइज ऑफ शीट। तो देखिए, आपको पता होगा हम शीट्स बनाते थे हमारे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो उसमें हमारा टाइटल ब्लॉक होता था, ठीक है। टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी और क्या नहीं होती थी, वो इससे हमें पूछ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो शीट नंबर, स्केल, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ये सारा हमारा टाइटल ब्लॉक में आता है, क्या नहीं आता है, साइज ऑफ जो शीट है वो हमारा इसमें नहीं आता है, शीट की साइज़ क्या है वो हम इसमें नहीं करते हैं इंक्लूड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल। देखो, स्केल का मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट की रियल साइज़ है, उसको जब हम ड्राइंग में बनाते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्केल पे बनाते हैं, या तो उसकी साइज़ हम कम कर देते हैं या हम बढ़ाते हैं या फिर हम इक्वल भी रख के करते हैं काम, ठीक है। तो हम कितने प्रोपोर्शन में उसको कम, ज़्यादा या इक्वल रख के बना रहे हैं, वो हमारा होता है स्केल, ठीक है। तो देखो, अगर 1:1 यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है, तो 1:1 का मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक ये लाइन मान लो आप, ये लाइन है, ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो इसकी जो मान लो एक्चुअल में साइज़ है 10 सेंटीमीटर है, और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया वो भी 10 सेंटीमीटर ही किया, तो स्केल हमने इक्वल रखा है, तो यहाँ पे 1:1 रहेगा, ठीक है। तो रिड्यूस, ना ही हमने स्केल को रिड्यूस किया ना ही हमने उसको इंक्रीज़ किया। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो, अगर बोल रहा है कि 1:2 हमने स्केल किया है, तो क्या किया, रिड्यूस किया या इंक्रीज़ किया, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है वो मान लो 2 सेंटीमीटर थी, बट हमने उसको ड्राइंग में जब बनाया तो 1 सेंटीमीटर बनाया। ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर की बनाई है, तो स्केल मैंने क्या कर दिया, हाफ़ कर दिया उसको, उसकी साइज़ को हाफ़ कर दिया, यानी कि 1:2 कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि मैंने स्केल को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हो, तो 2:1 का मतलब है कि मैंने साइज़ को डबल कर दिया या फिर स्केल को इंक्रीज़ कर दिया। 10:1 मतलब साइज़ को मैंने 10 टाइम्स कर दिया, ठीक है, उसका मतलब भी साइज, स्केल को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये जो नंबर्स हैं 1:2, 2:1, ये ही क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, ये ही चीज़ होती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये जो 1/2, 2/1 ये हो रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। तो ऑप्शंस क्या हैं, देखो, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द राइट आंसर कि देखो 1:2 ही हो रहा था, मतलब कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में हम 1 सेंटीमीटर बना रहे थे और उसको डिवाइड कर रहे थे 2 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअल लेंथ थी ऑब्जेक्ट की, वो ही बोल रहा है हमारा ऑप्शन ए में कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग डिवाइडेड बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको
मान लो कि सिविल से रिलेटेड अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एक हमारा प्लॉट साइज है, ठीक है, उसका मान लो यहाँ पे विड्थ है 20 मीटर, ठीक है, बट हम उसको ड्राइंग में बना रहे हैं इसी विड्थ को 20 सेंटीमीटर करके, ठीक है। तो हमने एक तरीके से ये मान लो स्केल को रिड्यूस कर दिया, और कितना किया है वो हमारा बताएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो उसका क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर। अब आप उसको कन्वर्ट कर लो मीटर को नीचे सेंटीमीटर में करके, तो आपका देखो कितना हो जाएगा 1/100 जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कि उसी से रिलेटेड ही है कि अ लाइन ऑफ 1 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर ऑन अ स्केल, इट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज। देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, ये उसी के जैसे ही एग्जाम्पल है कि अ लाइन ऑफ 1 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर ऑन अ स्केल, मतलब कि एक्चुअल जो लेंथ है वो 1 मीटर थी ऑब्जेक्ट की, बट हमने उसको स्केल करके 1 सेंटीमीटर बनाया। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, वो है होगा ये कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, ड्राइंग में उसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइड कर देंगे किससे 1 मीटर से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर, 1 मीटर को ब्रेक कर दो आप 1 सेंटीमीटर में, तो 1/100 जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ जाएगा, और यही होगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, कि व्हेन द प्रोजेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द प्रोजेक्शन इज ऑब्टेंड इट इज नोन एज, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्शंस को मैं आपको समझाता हूँ, अब थोड़ा सा प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा थियोरेटिकल है बट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। देखिए मेजर जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस एंड द अदर वन इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ठीक है। दो हमारे मेजर प्रोजेक्शंस होते हैं, उसमें भी पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस में हमारे 3 मेजर प्रोजेक्शंस होते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड द थर्ड वन इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये क्यूबॉइड या क्यूब हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उसको अगर किसी पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से यानी किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं हम, तो वो हमारा बन जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वहाँ से अगर वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसके इस तरीके से यहाँ पे लाइन बनेंगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे प्रोजेक्ट होगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से हमने ऑब्जेक्ट को बनाया तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बन जाता है, ठीक है। उसी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में देखो हम दोनों के दोनों में ही, पर्सपेक्टिव में भी और ऑब्लिक में भी, हम ऑब्जेक्ट को एक्चुअल नहीं बना रहे हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जैसा, ठीक है, लेकिन हमने पर्सपेक्टिव में और ऑब्लिक में जो ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर दिया था, उसकी ज्योमेट्री को मॉडिफाई करके बनाया है, ठीक है। ऑब्लिक में भी ये देखो हमने इसको चेंज कर दिया, इस तरीके से बनाया है, जो हम बेसिक अगर हमें हम बनाते हैं जब क्यूबॉइड या क्यूब, तो इस टाइप का ही बनाते हैं, आपको पता होगा पेपर में, ठीक है, वो हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है। इसमें होता क्या है, देखो एक हमारी ये वर्टिकल एक्सिस रहती है, द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो थर्ड वन होती है ये हमारी होती है ऑब्लिक एक्सिस, या फिर इसको स्लांटिंग एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये जो इसका एंगल है, ये एंगल हम बना तो पेपर में कैसे भी देते हैं, लेकिन इसका एंगल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसका एंगल रहता है वो 45 डिग्री रहता है, या फिर 30 डिग्री भी रह सकता है, ठीक है। अभी हमने 45 डिग्री में बनाया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना कि इसका ऑब्लिक का जो स्लांटिंग का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, आप आइडिया ले लो ऊपर ऊपर से, ठीक है। देखो ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आइसो का मतलब होता है हमारा इक्वल, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि इक्वल क्यों होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की क्वालिटी देखो ये है कि जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है, ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट ऐसा ही था, उसको हमने एज इट इज पेपर में उसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये जो जो हमारे व्यूज हैं प्रोजेक्शन, ये पर्सपेक्टिव और ऑब्लिक, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं थे, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हमारा आइसोमेट्रिक जैसा था, उसको हमने बस पेपर में ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या है वो क्वेश्चन, कि एक सेकेंड देखो, इसको अगर मैं, ये जो अंदर की लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है,
ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है। इनका देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखो मान लो ये रेड, ये ब्लू और ये मैजेंटा, मान लो इसकी तीन एक्सिस हो गई हैं। अब हमारी ये हो गई है, कोई भी मान सकते हो आप, ये वाई एक्सिस हो गई है, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई है और ये जेड एक्सिस हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि इन तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो कितना रहता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था ये वाला, तो उसको हमने सोचा कि क्यों ना सबको बताया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल चेक करवाते हैं इसका, देखो ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसका आंसर होता है कि तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल रहता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो हमारा 120 डिग्री रहता है। वो कैसे रहता है वो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसीलिए ही इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसो का मतलब इक्वल, इसीलिए इसके इक्वल एंगल्स होते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है। अब देखो इस वाले प्रोजेक्शन की खासकर क्वालिटी ये है कि इसमें जो मैंने बताया आपको कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ही बनाया गया है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को स्केल किया जाता है इस वाले प्रोजेक्शन में, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट में भी ये वाली लाइन एज इट इज़ ही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ बनाया गया है, ठीक है। तो स्केल करके आप डायमेंशंस निकाल सकते हो यूं की यूं कि अगर मैंने बोला है कि 10 सेंटीमीटर है और मैंने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बता दिया तो आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट की बता सकते हो कि क्या साइज होगी, ठीक है। इन दो प्रोजेक्शंस में आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो मेजर डिफरेंस बताता हूँ पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक में, कि पिक्टोरियल आपको एक रिप्रेजेंटेशन देगा, आपको सिर्फ एक इमेजेस बता देगा क्विक कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन आपको जो डायमेंशंस हैं वो नहीं बताएगा, ठीक है। डायमेंशंस ट्रू टू इट्स स्केल वो आपको नहीं बताएगा पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस में कोई भी, ठीक है। ये आपको आइडिया देगा, ये आप स्केल कर सकते हो आप आइसोमेट्रिक में, लेकिन पिक्टोरियल की मेजर जो जो क्वालिटी है वो यही है, ठीक है। और ऑर्थोग्राफिक में क्या है कि आपको पूरे डायमेंशंस मिल जाएंगे। देखो आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के देखो आपको फ्रंट व्यू लेफ्ट व्यू यहाँ पे बनाने को मिल जाते हैं, वो किस में होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं कि व्हेन द प्रोजेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द प्रोजेक्शन इज ऑब्टेंड इट इज़ नोन एज। इस क्वेश्चन का देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये मान लो हमारे होता क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, एक हमारा वर्टिकल प्लेन होता है ये आपको दिख रहा होगा VP, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ये HP, और ऑब्जेक्ट को इन प्लेन्स के बीच में रखा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को जब इस क्वाड्रेंट में रखा और इस व्यूइंग एंगल से यहाँ से देखो राइट से अगर इसको देखा यहाँ से, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब इसको देखा तो इसके प्रोजेक्शन बने इस प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, और जब ऊपर से देखा तो इसका प्रोजेक्शन बना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे HP पे, ठीक है। लेकिन जब हम इसके प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करेंगे तो इस प्लेन पे करेंगे, ये जो प्लेन मैंने बनाया है यानी कि आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन है या फिर मेरी लैपटॉप की जो स्क्रीन है इसका जो प्लेन है इस पे हम इसके प्रोजेक्शंस बनाएंगे, लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू या जो भी व्यू, टॉप व्यू, जो भी व्यू बनेगा। तो ये जो स्क्रीन है आपकी लैपटॉप की, फ़ोन की, वो किसके परपेंडिकुलर है, जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्टिकल प्लेन के और हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यही हमारा बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन द प्रोजेक्शन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन, तो उस प्लेन के जिस पे आपके प्रोजेक्शन ऑब्टेन हुए हैं यानी कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। और प्रोजेक्शन बना किस पे रहे हैं, आपकी फ़ोन की स्क्रीन का जो प्लेन है या मेरी लैपटॉप की स्क्रीन का जो प्लेन है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो प्रोजेक्शन कौन सा होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। और ऑर्थो का मतलब ये होता है राइट एंगल, ठीक है, और राइट एंगल का मतलब ये मान लो परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन हैज द एडवांटेज ऑफ कन्वेइंग एन इमीडिएट इंप्रेशन ऑफ द जनरल शेप एंड डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नो इट्स ट्रू डायमेंशन और साइजेस, ठीक है। देखो यही मैंने आपको समझाया था अभी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में, कि ये आपको एक क्विक रिप्रेजेंटेशन दे देगा कि आपको एक बार ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है वैसा आप एक बार फटाफट से बना के देख सकते हैं, लेकिन उसकी डायमेंशन और स्केल्स
आपको एक बार नहीं देखने को मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा, वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही आएंगे। ठीक है, तो क्विक रिप्रेजेंटेशन या इमेजेस बनाने का किस में कॉन्सेप्ट है? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक, आइसोमेट्रिक, ये तीनों इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। या फिर अगर ऑप्शन में हमें पिक्टोरियल प्रोजेक्शन देता तो हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को मार्क करते, लेकिन हमारे पास तीन ऑप्शन में तीनों हैं कि पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, जो कि पार्ट है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच द थ्री डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आर नॉट ओनली शोन इन वन व्यू बट ऑल्सो देयर डायमेंशन कैन बी स्केल्ड फ्रॉम द ड्रॉइंग। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको बताया था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का टाइप है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और इसमें एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो स्केल की जा सकती हैं। देखो एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं बनेंगी बट स्केल की जा सकते हैं, ना कि, और हम फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू भी नहीं बना रहे हैं जो कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, तो स्केल करने की जो फैसिलिटी है वो हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मिल जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका? पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, ऑब्लिक रहेगा नहीं, ऑर्थोग्राफिक तो अपने आप में ही कैटेगरी है एक प्रोजेक्शन की, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द थ्री एक्सेस आर फॉर शॉर्टन्ड इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ द एक्सेस इज। ठीक है, देखो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी कि जब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, और तीन हमारी एक्सेस मैंने आपको दिखा दी थी कि ये वाई थी, ये एक्स थी, या फिर ये जेड थी, कोई भी किसी को भी मान सकते हो आप। तो इन तीनों के बीच में एंगल क्या बनता है वो मैंने आपको बताया था, वो हमारा बनता है 120 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थ्री एक्सेस आर फॉर शॉर्टन इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ द एक्सेस, किसी भी दो एक्सेस के बीच में एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैथड ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड इन। ठीक है, देखो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को थोड़ा डीपली समझते हैं कि क्या है। ये मैंने बता दिया था कि ऑर्थोग्राफिक में आते हैं हमारे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस किया जाता है, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तब बनता है जब बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, और देखो इसमें मेजर चीज़ें क्या हैं, देखो व्यूइंग एंगल हमारा यही है, ये देखो ये व्यूइंग जहाँ दिखा रहा है कि यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और टॉप से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे बना देता है, किस केस में? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ये दिख रहा होगा। देखो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है और पीछे वाली प्लेन है, इस पे बन रहा है हमारा इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, वाइल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखो क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो ऑब्जेक्ट से पहले आ रही है। फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट है वो पर्सन के और प्लेन के बीच में है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो पर्सन के और ऑब्जेक्ट के बीच में है। ठीक है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखो क्या पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में, वो हम देखते हैं एक बार कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी प्लेस्ड इन। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, वो हमने देख लिया है। अगर हमसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछता तो हम बोलते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग। कि ऑप्शन ए देखो, इट पुट्स द ऑब्जेक्ट बिटवीन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट जो है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रहता है क्या थर्ड एंगल में? नहीं, ये फर्स्ट एंगल में रहता है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो ये रहा फर्स्ट एंगल में, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है। ठीक है, और देखो क्या है सेकेंड ऑप्शन, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिलीव्ड टू बी ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। एक होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, एक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, और नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है ओपेक। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है हमारा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर जब यहाँ पे आएगा, ये देखो ये रहा ऑब्जर्वर, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो ऑब्जेक्ट हमारा पीछे चला गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा
बीच में आ गया है, ऑब्जर्वर हमारा इधर है, ठीक है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट प्लेन इसको हम एक्ट करेगा और फिर हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में क्या बोला है कि प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन इज बिलीव टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन, इट पुट्स द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, तो देखो ये ऑप्शन जो है हमारा ये एकदम करेक्ट है कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है ऑब्जेक्ट के और ऑब्जर्वर के बीच में, किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो इसका मतलब हमारा इनमें से स्टेटमेंट ऑप्शन सी है। देखो एक बार समझ जाओगे जब प्रोजेक्शंस को तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट टाइम में थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि इट पुट्स द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, तो ये वाला तो जो ऑप्शन ए है ये तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में किस केस में आ रहा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के में, तो फर्स्ट एंगल में तो ये चीज़ होगी नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या है, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिलीव्ड टू बी ट्रांसपेरेंट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है क्या, नहीं, यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तो पीछे चला गया, पीछे चला गया तो वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट वाला केस हमारा थर्ड एंगल में लगता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सेट नहीं होगा। और देखो क्या है, द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन एंड अबाव द हॉराइजेंटल प्लेन, ठीक है, ये चीज़ हमारी एकदम ठीक है कि ये देखो वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में है और हॉराइजेंटल प्लेन के ऊपर है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वही हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो एकदम हमारा ठीक है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मे रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम्स हैं, इनको देख के आप समझ जाओगे कि ये देखो ये डायग्राम है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका ये ड्रॉ हो गया हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ से इसका हो गया ये लेफ्ट व्यू, ठीक है, और इसको जब हम एज अ सिंबल डिनोट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है वो ऐसा दिखेगा, वाइल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को कैसे करेंगे डिनोट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे इसका ये बन जाएगा लेफ्ट व्यू और यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा, ठीक है, और इसका सिंबल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंबल की बात कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल में रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पॉइंट पी इज अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन वी पी, द पॉइंट इज इन, ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है अगर कोई पॉइंट और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में है तो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सीधी सी बात है, और तो कुछ इसमें करना ही नहीं है, देखो वर्टिकल प्लेन के इधर है फ्रंट में और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो हुआ और यहीं पे ही हमारा बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन तो नहीं पूछ रहा है हमसे, बस क्वाड्रेंट पूछ रहा है, तो क्वाड्रेंट हम इसको बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो जो प्रोजेक्शंस वाले पार्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमने देख लिया है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देख लिया है, उसमें भी किस तरीके से हमारे देखो क्वाड्रेंट्स डिवाइड होते हैं और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल किस तरीके से बनता है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक और पिक्टोरियल में डिफरेंस क्या है, पिक्टोरियल के बीच देखो जो अंदर अंदर हैं जो पर्सपेक्टिव है ऑब्लिक है और आइसोमेट्रिक है उनमें डिफरेंस क्या है वो हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑटोगेट से रिलेटेड है, द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज फॉर विजिबल आउटलाइंस, एग्जैक्टली ऑटोकैड नहीं कह सकते, लाइन्स तो कहीं भी ड्राइंग शीट में भी बनती हैं, ऑटोकैड में भी बनती हैं, कहीं भी बनती हैं, तो द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज फॉर विजिबल आउटलाइंस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका हम कोई फ्रंट व्यू लेफ्ट या कुछ बना रहे हैं और तो विजिबल आउटलाइंस, देखो हम जो लाइन बना रहे हैं जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था उसका मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये मान लो उसका फ्रंट व्यू लेफ्ट व्यू कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो विजिबल आउटलाइंस हैं ये कौन सी लाइन्स रिप्रेजेंट करती हैं, ये होती हैं हमारी कंटिन्यूस थिक लाइन्स, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये बहुत थिक है, ठीक है। और देखो क्या है, और इसी से रिलेटेड ही देखो और भी लाइन्स हैं, द फॉलोइंग लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में द फॉलोइंग लाइन इज यूज फॉर डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन के लिए कौन सी लाइन जो है वो यूज़ होती है, ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हमारी DLI कमांड से देखो मैंने डायमेंशन लाइन बनाई है, ये कंपेरेटिवली थिन होती है इससे, ठीक है, काफ़ी पतली होती है डायमेंशन लाइन, ठीक है,
तो कौन सी है इसका मतलब? कंटिन्यूस थिन, बी ऑप्शन जो है कंटिन्यूस थिक हमारा विजिबल आउटलाइंस के लिए हो गया, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस थिन। ठीक है, और देखो क्या होता है, एक हमारी हिडन लाइंस भी होती हैं। हिडन लाइंस कौन सी होती हैं? देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर देखो, या फिर आप ऑब्लिक के अंदर देखो, जो अंदर की ट्रांसपेरेंट लाइंस जो शो करती हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट अंदर वाली लाइन जो हम बनाते हैं, एक्चुअल में तो आपको पता है ये अंदर वाली लाइन छिप जाएगी, जिसको देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो लेकिन फिर भी हमें दिखानी है कि अंदर ऐसी कोई लाइन है, तो हम उसको हिडन लाइन्स के साथ दिखाते हैं। ठीक है, हिडन लाइन्स डॉटेड लाइन्स होती हैं, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, डैश डैश आ रहा है जिनमें। ठीक है, शॉर्ट जिगजैग लाइन में आपको बता देता हूँ कि देखो इस टाइप की कुछ शेप आपको देखने को मिलेगी, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका पर्पस क्या है। मान लो यहाँ पे कोई मैंने स्लैब बनाई है, ये मेरी हो गई है कोई आरसीसी स्लैब है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बना दी है वॉल, ये ठीक है, ये मान लो मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, कोई मैंने सेक्शन कट किया है यहाँ से, और ये जो भी है मेरा फ्लोर हो गया, तो यहाँ पे देखो इसका एक्सटेंशन है। मान लो मैंने स्लैब को यहाँ पे कट कर दिया, मुझे आगे अब मुझे दिखानी है कि स्लैब एक्सटेंड तो हो रही है, जा तो हर जगह रही है, लेकिन मुझे सिर्फ उसको अब यहाँ पे बताना है कि एक्सटेंड हो रही है, तो वो मैं इस टाइप की लाइन से शो करूँगा। ठीक है, ये आपको दिख गई होगी कि किस तरीके से ये यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये हमारी होती है जिगजैग लाइन। ठीक है, यही सेम ही यहाँ पे इधर बन जाएगी। देखो कॉपी कमांड यूज़ करके मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ। ये सारे शॉर्टकट्स याद कर लेना, आपको याद हो भी गए होंगे काफ़ी स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस तरीके से। और देखो क्या है, ये समझ में आ गया होगा, शॉर्ट जिगजैग लाइन। हैचिंग लाइन्स आर ड्रॉन एट डैश डिग्री टू रेफरेंस लाइन। तो देखो हैचिंग लाइन्स, हैचिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जब हम कट करते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन पे, ठीक है, उसके किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे, तो जो जो वो कटिंग जो उसकी सरफेस होती है, उस सरफेस को हैच करके शो किया जाता है ड्राइंग में। ठीक है, तो मान लो देखो इसी सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो वॉल को हमने कट कर दिया, यहाँ पे आरसीसी भी शो कर रहे हैं हम, वॉल भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, हैच करना पड़ेगा। देखो हैच का शॉर्टकट है हमारा एच, एच एंटर। ठीक है, मैंने एच एंटर कमांड लेके यहाँ पे देखो हैच कर रहा हूँ। देखो अब होता क्या है, बहुत सारे टाइप के हैचेस आ गए हैं, जिसमें आपको कंक्रीट के भी मिलेंगे, ब्रिक्स के भी मिलेंगे। देखो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको ग्रास भी मिल जाएगी इसमें, यहाँ पे देखो हैरिंग बोन पैटर्न है, तो लेकिन बेसिक हमें बोलता है ये वाला। ठीक है, इसमें हमें एंगल कौन सा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 45 डिग्री का हमें एंगल मिल रहा है। वैसे हम इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, वो तो सारा ऑटोकैड के अंदर है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमें ऑटोकैड प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक बात करें कि हैचिंग का जो एंगल है वो कितना रहेगा, वो रहेगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कि हैचिंग का मतलब क्या है, कि मैंने यहाँ पे इसके सेक्शन को कट किया है, तो वॉल की सरफेस को दिखाने के लिए मैंने इसको हैच कर दिया फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कि इन एन अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशन में बी रेड फ्रॉम। तो देखो डायमेंशंस जो हैं डायमेंशनिंग के सिस्टम में हमेशा कहाँ से पढ़े जाते हैं, बॉटम और राइट हैंड एजेस, इसका है ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, इनसे नहीं पढ़े जाते कि ओनली फ्रॉम बॉटम, ओनली फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट साइड, बॉटम या फिर राइट हैंड एजेस से हम इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि लेंथ इज टू विड्थ इन केस ऑफ एन एरो हेड इज, कि एरो हेड, देखो एरो हेड का मैं आपको बताता हूँ ऑटोकैड में बनाने का, LE, और एरो हेड को लीडर भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, डायमेंशन लीडर, LE एंटर, और यहाँ पे देखो ये बन गया मेरा एरो हेड। देखो इसकी मैं साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये देखो ये हो गया हमारा एरो हेड या फिर लीडर, LE इसका शॉर्टकट है। अगर उस टेबल में नोट नहीं है तो आप इसको अलग से नोट कर लेना, LE। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लेंथ इज टू विड्थ, मतलब कि ये देखो इसकी लेंथ है, मान लो ये इसकी लेंथ है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ हो गई है।
ये देखो, ठीक है, ये 10 इंचेस बता रहा है, और विड्थ क्या है इसकी, विड्थ है ये देखो, एग्जैक्ट नहीं बना रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये हो गई इसकी विड्थ। तो देखो कितनी बता रहा है यहाँ पे, 10 इंचेस मुझे इसकी लेंथ बता रहा है, और विड्थ मुझे कितनी बता रहा है, 3.25 अराउंड, ठीक है, 3.33 भी कह सकते हो। तो एक मोटा मोटा क्या हो गया, ये मान लो 3:1 का यहाँ पे लेंथ टू विड्थ का जो है रेशो निकल के आ गया। 10 बाय अगर मैं 3.33 कर दूँ तो 3:1 का यहाँ पे रेशो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एरो हेड की लेंथ और विड्थ का जो रेशो है वो 3:1 आता है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रोजेक्शंस क्या थे, क्या हमने ऊपर ऊपर से इंजीनियरिंग ड्राइंग को देख लिया था, उसमें सिविल वाले पार्ट को हमने देखा। देखो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल ड्राइंग में हम नहीं गए हैं, बाकी हमारे शीट से रिलेटेड जो भी हैं, एरो हेड हो गया, हमारे हैच के क्वेश्चंस या लाइंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद, देखो इसको आप कर सकते हो, यहाँ पे पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस, और इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो मैं बड़ा कर देता हूँ, पहले नहीं लिया हो तो अब ले लेना, ठीक है। इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को, ठीक है। मैंने सबको पूरा प्रॉपर करके दिखाया, तो आप तब ले लेना वीडियो को मैं बैक जाके, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए, अदर एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियोज़ अगर आप तक आएँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव गुड डे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।